मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे कलंक लगने का खतरा रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी दिन बड़ी धूमधाम से चांद की पूजा भी होती है। कहाँ, कैसे व क्यों जैसे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार अपने जन्म तिथि पर गणेश जी भोजन करके घर लौट रहे थे। उनके मोटे पेट को देखकर चंद्र देवता को हंसी आ गई। गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया, तुम्हारा शरीर प्रतिदिन घटता चला जाएगा और तुम अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। चंद्र घबरा गए और उस श्राप की मुक्ति के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। तब शंकर भगवान जी उनसे प्रसन्न हो गए और चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके पश्चात चंद्रदेव ने गणेश जी साप मुक्ति का उपाय पूछा। चंद्रमा के अनुनय विनय करने के बाद गणेश जी ने कहा, मैं केवल आपको साप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। केवल भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी को जिस दिन आप मेरा अपमान किया था, उस तिथि को तुम्हारे दर्शन करने पर लोगों को झूठा आरोप या कलंक लग सकता है। शेष दिनों में आप जिस गति से घटोगे फिर उसी गति से बढ़कर पूर्णता प्राप्त करोगे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी भूल से गणेश चतुर्थी को चंद्रमा को देख लिया था और उन्हें सैमंतक मणि को चुराने का झूठा आरोप लगा था। शास्त्रों के अनुसार अगर भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तब इस मंत्र का 28, 54 या 108 बार जप करना चाहिए। वैज्ञानिक कारण, इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इस तरह के कोणों पर होते हैं कि पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की रोशनी निगेटिव रूप से चार्ज होती है। यही कारण है कि इस दिन चांदनी को नहीं देखना चाहिए और ना ही उसके संपर्क में आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन बिहार में, खासकर मिथिला में, चांद की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। इस पूजा को चौथ चंद्र या चौरचन भी कहा जाता है। घर की महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं और शाम के समय चांद के साथ गणेश जी की पूजा करती हैं। सूर्यास्त होने और चंद्रमा के प्रकट होने पर घर के आंगन में सबसे पहले रंगोली बनाया जाता है। उस पर पूजा पाठ की सभी सामग्री रखकर गणेश जी व चांद की पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा पाठ में कई तरह के पकवान जिसमें खीर, पूरी, पिरुकिया, गुजिया और मिठाई में खाजा, लड्डू तथा फल के तौर पर केला, खीरा, शरीफा, संतरा आदि चढ़ाया जाता है। व्रती महिला आंगन में बांस के बने बर्तन में सभी सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित करती हैं, यानी हाथ उठाती हैं। आइए जानते हैं चांद की पूजा के पीछे की कहानी। माना जाता है कि इस दिन चांद को श्राप दिया गया था। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चांद ने भाद्र मास, जिसे भादो कहते हैं, कि चतुर्थी तिथि को गणेश की पूजा की। तब जाकर गणेश जी ने कहा, जो आज की तिथि में चांद के पूजा के साथ मेरी पूजा करेगा उसको कलंक नहीं लगेगा। तब से यह प्रथा प्रचलित है। ऐसी जानकारियों से भरपूर वीडियो देखने के लिए न्यूजियाना के साथ बने रहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।